हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमारे शरीर पर टैटूज़ बने हुए हैं तो उन्हें हम सेफ तरीके से कैसे हटा सकते हैं। टैटूज़ को हटाने की तभी ज़रूरत पड़ती है जब हम कहीं किसी ऐसी जॉब में अप्लाई करते हैं जहां पर इन टैटूज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इन टैटूज़ को हटाने के लिए बहुत सारे लोग कई कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो टैटूज़ को हटाने के लिए बेची जाती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि बिना किसी डॉक्टरी सलाह के हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि उसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो वो निशान हमारी स्किन पर हमेशा रह जाएंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी, स्किन जल भी सकती है। तो मेरी आपसे सलाह है कि इस तरीके का कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले आप किसी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। व्यूअर्स, टैटूज़ दो तरीके के होते हैं, एक टेम्परेरी टैटूज़ जो धीरे धीरे खुद फेड हो जाते हैं, दूसरे परमानेंट टैटूज़ जो लाइफ लॉन्ग होते हैं और फेड नहीं होते। तो आइए जानते हैं वो कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हम इन टैटूज़ को हटवा सकते हैं। इनको हटाने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसका नाम है क्यू स्विच लेज़र। इस लेज़र से 5 से 6 सेटिंग में टैटूज़ को बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। व्यूअर्स, ये प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस है, इसमें किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता। और जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स या फिर डिफेंस का कोई भी डिपार्टमेंट जहां पर इन टैटूज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वहां पर उस स्थिति में अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो ये 1 या 2 सिटिंग में भी पूरी तरह हटाए जा सकते हैं। जहां पर बहुत जल्दी होती है, किसी का बहुत जल्दी मेडिकल होने वाला है उस स्थिति में, और लेकिन फिर भी कम से कम मिनिमम 1 से 1.5 महीने का इसमें समय आपके पास फिर भी होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट सेटिंग इसमें होती है जिसमें मशीन चलती है, उसके बाद जो दूसरी सेटिंग है उसमें कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। 15 दिन के बाद ही टैटू रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसे रिपीट किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। इस प्रोसीजर के बाद कोई भी स्किन पर निशान नहीं रहेगा, स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी। आप जहाँ भी रहते हैं आप अपने नज़दीक के अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें जो कि लेज़र टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये टेक्निक बहुत पॉपुलर है। इससे इस टेक्निक के द्वारा लोग अपने चेहरे की भी खामियों को दूर कराते हैं, जिसमें डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या और दूसरी कोई समस्या है या हाइपर पिगमेंटेशन है, उन सभी को। तो इसलिए अगर आपको टैटूज़ हैं तो आप इस समस्या को भी आसानी से इन डॉक्टर से मिलकर हटवा सकते हैं। तो लास्ट में मेरी फिर आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि घरेलू कोई भी नुस्खा या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले।